Hello guys, assalamu alaikum. I hope are you all good, fit and fine, and welcome to the podcast. I am your host Rehman RB, and with us one and only my so beautiful co-host Kashyap Khan. Assalamu alaikum everyone. Kaise ho Rehman? Main theek, tum sunao. Kaise aaj tum baal kaise bana ke aaye ho yaar? घर पे लाइट नहीं थी क्या? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी लग रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था दूसरी वीडियो नहीं में कि मैं बंदा यार बाहर निकलता है अपने आप को थोड़े से तैयार होकर निकलता है। तुम पता नहीं क्या वाइट ड्रेस रखते है किसी के चोटी क्या मसला है, तुमने अपने आप को देखा है? अल्हम्दुलिल्लाह आई एम नेचुरल ब्यूटी, मेरी जो ब्यूटी है वो बहुत। अब तुम ज्यादा बोलोगे ना तो अच्छा नहीं होगा। ठीक है, मैं नहीं बोल रहा। अच्छा, आज मैंने ना ये थोड़ा सा अपग्रेड किया सिस्टम। हाउ लाइक दिस? यार ये बहुत प्यारा, मतलब मैं सोच रहा था कि एक सोफे पे पहले से बेहतर है ना, तो इसी तरह मैंने कहा क्या मतलब तीन, मतलब अब भी हम किसी गेस्ट को भी बुला सकते हैं, मतलब यहाँ पे इनको बिठा सकते हैं ना, अच्छा लगता exactly, है। बट आप नहीं बुला रहे? बुलाऊंगा इंशाल्लाह वेरी सून यार। थोड़ा सा पता है आज हम लोग कितने टाइम के बाद, तकरीबन छः दिन के बाद, और मैं और कश्यप आज बताओ मिले हैं, मतलब हाँ अच्छे लग रहे हैं। बैटरी तो बैटरी बोलते हैं बेटा, चार्जिंग नहीं होता, मैं बस बैटरी असल में आज कूल लग रहा था, यू एज बॉय टाइप से लग रहा था, तो मैंने कहा ग्लासेस होने चाहिए। और सब सेट है? क्या सेट है यार? यार वो लोग बोल ही नहीं रहे, छोड़ दो। क्या सेट है बताओ? सब सेट है, अल्लाह का शुक्र है। और तुम ये बताओ, तुम मैंगो खाते हो? मैंगो तो मैं बहुत शौक से खाता हूँ, पर यार पता नहीं कितनी सारी उनकी किस्म से मैंने तकरीबन जो खाई ना चाइना के आम ही खाया है, तो यहाँ पर मिलते हैं। मुझे ना एक वो वाला ना आम मैंगो बहुत पसंद है, जो वो लंगड़ा आम नहीं होता, लिटरली मुझे वो बहुत पसंद है। उसमें मतलब वो ना बहुत मीठा होता है। लंगड़ा आम यार, लिटरली खाती हूँ ना आम लिटरली गाइस। और पता है मुझे आम बहुत पसंद है, मैं चाहता हूँ कि यार आम खाऊं, और मॉर्निंग आम खाओ ना तो उसमें 8-9 किस्म से निकल जाता है, पर यहाँ पर इतने मिलते ही नहीं हमारे सिटी में, पता नहीं। यार मैंने ये टाइप से खा लिया, तो बताओ चौंसा, सिंदड़ी, लंगड़ा, दशहरी, अनवर एटोल। अनवर एटोल ऐसे नहीं लग रहा जैसे किसी आदमी का नाम, अनवर किसी आदमी का नाम हो, तुम्हारे किसी पड़ोसी वड़ोसी का है, किसी रिलेशन वाले का तो नाम नहीं है ना अनवर, ये गूगल बता रहा है। जो नहीं बोल रही चौंसा सिंदरी, ऐसा नहीं लग रहा चौंसा गाली, हाँ, गालियाँ नहीं लग रही, चौंसा गाली है पर हमें सुना नहीं है, लोग पता नहीं क्या हो रही है। हाँ लिटरली गाइस, मतलब इतने सारे आमों के नाम मैं फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ, मतलब अगर हम इसको गाली की वे में ले तो बोले ओए सिंदरी की तरह, ओए सिंदरी की तरह। और पता है इस पर एक वीडियो भी नहीं दिख रही फेसबुक पे, वो बंदा बोला था कि लड़की थी, मतलब एक फ़नी मोटिवेशनल स्पीच भी देती है, और मतलब एक बोलते हैं कि हमारे यहाँ पे अगर किसी बच्चे को बुलाना हो ना सिंधियों की वे में तो ओ लंगड़ा आइडिया, लंगड़ा आइडिया, ओ चौसा आइडिया, वो तो पूरी तरह से फनी भी मिले, क्योंकि मैं ना हंस हंस के ना मेरे पेट में दर्द, और मतलब नहीं, बहुत ही लिटरली अभी मैं पढ़ी थी, मुझे ऐसा लग रहा है ये गालियां हैं। ओ दशहरी, ओ दशहरी कैसा है तू? मैं दशहरी हूँ, तुम चौसा हो, चौसे के जैसी है बिल्कुल पतली। यार तुम अपना वेट क्यों नहीं बढ़ा रही? नहीं ना ऐसे लोग दिन ब दिन यार मोटे होते हैं, और ये देखो ये क्या है, लोग मुझे बोलते हैं कि यार तुम अपनी जो ना खाते रहते, लेकिन जब एक इंसान अपने आप को फिट रखता है ना तो फिर अच्छा, बहुत फर्क पड़ता है। ये यार फिटी फिट से भी गई गुजरी, मतलब थोड़ा इंसान खाता है हेल्दी होता है, और मतलब यू नो कुछ भी नहीं क्यों। अच्छा, और बाय द वे आजकल मतलब मुझे आम सीजन भी चल रहा है, तो आम मुझे यार मिल ही नहीं रहे, पता नहीं कितनी महंगी, हाँ महंगी भी इतनी है कि मतलब मैं तो जब बाहर मार्केट में गया लेने तो मिल तो रहे हैं, बट इतने महंगे कि मतलब बंदा ले नहीं सक रहा। मैंने पता क्या किया सुना, आज भी हमेशा की तरह मैंने क्या किया, इसने अपनी कंजूसी दिखाई है कि इसको महंगे इतने भी महंगे। अब मेरी कंजूसी पे बात आ गई, तो लिटरली गाइस असल में ये हुआ कि मैं मार्केट गया, आम इतने महंगे, तो मैंने कहा भाई आज आम नहीं लेने, ठीक इसलिए नहीं लेने। फिर मैंने क्या किया, नहीं पैसे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, I have 4,000 रुपए मेरे पास अभी पॉकेट में पड़े, महंगे थे, तो मैंने क्या किया तस्वीर ले ली और मैंने घर पे आके दिखा दी कि देखो आम मैं ले आया। यही कर सकता और तो कुछ नहीं कर सकता यार, क्योंकि चीज महंगी है ना तो यही कर सकते यार। महंगी इतनी भी महंगी नहीं है कि रहमान 4,000 अभी तुम्हारी जेब में पड़े और तुम्हारे पास आम लेने के पैसे नहीं है, तुम्हारी मतलब ये कंजूसी होती है। मेरा दिल ही नहीं करता कि मैं पैसे खर्च करूं, पता नहीं क्यों, ये पता नहीं क्यों गॉड गिफ्टेड मुझ में आदत है ये आम खरीदने के पैसे नहीं है।
यार ये साल तो आते भी नहीं है आम। हाँ आते नहीं, पर हमें पता है कि मेरे जो रिलेटिव होते हैं ना वो एक एक दो दो पेटी देके जाते हैं, तो भाई लेने की क्या जरूरत है, तुम्हारे घर पे तो कभी कोई दिक्कत नहीं। तो ये बोलो ना, इन शॉर्ट ये बात, जब मुफ्ते से काम हो रहा है तो पैसे क्यों खर्च करें। इन शॉर्ट ये बात है। अच्छा बताओ कौन सा आम पसंद है तुम्हें? मुझे तो नहीं नहीं, हम आम पर ही टॉपिक रहेगा हमारा थोड़ा। हाँ जी, मुझे जो आम पसंद है वो तकरीबन तो सिंदड़ी, क्योंकि सिंदड़ी बहुत मीठा आम होता है, और जो चौसा है। ऐसा क्या बात होती है? तो अच्छा, आम तुमने कभी फील किया कि तुम आम खा रही हो और तुमने हर आम पूरा खा लिया, तुम्हारी गुठली रह गई हो? गुटली गुटली रह गई, पता है वो खाओ ना तो यहाँ से ऐसा निकलता है, अच्छा लगता है ना फिर उसको। वो चौसा होता है, I think so। हाँ तो चौसा है, तो देखो पता भी है इसको, बता नहीं रही कि वो चौसा ही आम होता है। वो यूं गोल गोल पता नहीं क्या करते हैं, उसको मेल्ट करते हैं, फिर उसके ऊपर से खोलते हैं, तो फिर चूसते इतना गंदा लगता है। अच्छा हम लोग पिछले अभी गर्मियों में हम लोग ट्यूबवेल पे गए थे नहाने के लिए ना, मैं था मेरे कुछ फ्रेंड्स से, तो हम लोग जिस बाग में गए थे ना नहाने के लिए ट्यूबवेल में, तो वहाँ पे आम लगे हुए थे ट्यूबवेल में भी ना, सारे आम लगे हुए थे। हाँ उसके ऊपर ही ऊपर पता है, इतना लिटरली हमने एंजॉय किया वहाँ पे, और हमने हमें आम की तलब हो रही है। देखो कश्यप, आम की तलब हो रही है। हाँ मतलब ऊपर से लगे हुए ताजे ट्यूबवेल में तो आम की तलब तो लगती है भाई। मैं तो खाता हूँ, तुम नहीं खाती? तुम कभी आम की तलब कब होती है? मुझे लगती है यार। और पता है वहाँ पे ना आम को ऐसा पानी से हाथ निकाला, तोड़ के वो उसको हिला हिला के ना उसके लिए कटरीना कैफ वाला सीन कर रहे थे। इतना हम लोगों ने वहाँ पे एंजॉय किया, और वहाँ से जब वापसी आए तो बहुत ही बुरी हालत थी, पेट में इतना दर्द, क्योंकि हिला हिला के आम खाते ना इसीलिए। अस्तक फिर तुम्हें कौन सा आम पसंद है ये बताओ? मैं बताया था लंगड़ा आम बहुत पसंद है यार। लंगड़े के अलावा अच्छा तो बता, तुम बोल रहे हो चौंसा बहुत मीठा होता है, तो मैं बोल रही हूँ लंगड़ा बहुत मीठा होता है, तो इसमें क्या? मैं तो बोलता हूँ नसरुल्ला आम बहुत मीठा होता है। अनवर नसरुल्ला मेरे अपने नाम रख लिए, क्या क्या फर्क पड़ता है? अनवर अनवर हो गया, और दूसरा कौन सा आम बताया तुमने? अनवर अटोल लेकर आएंगे आम। हाँ अनवर अटोल, पता नहीं क्या इसकी तुम्हारे अनवर रटोल रटोल ये मैंने, मुझे नहीं पता, मैंने कभी देखा भी नहीं है सामने। अच्छा अच्छा कशो, मुझे तुम ये बताओ कि यार आजकल जो ऐसा लोगों की प्रॉब्लम्स हैं, मतलब जो गरीब लोग हैं अभी ऐसी चीज़ें नहीं परचेज कर सकते, तो सपोज करो देखो आम तो अभी हम खा सकते हैं ना, तो अभी अगर उनको ऐसी परचेज करनी हो तो उनकी यार कुछ हेल्प की जाए, किस तरह हेल्प की जाए? मेरे माइंड में एक आइडिया आया, तो तुम पहले बताओ क्या किया था, किस तरह हम उनकी हेल्प करें। ऑब्वियसली यार देखो, अगर जो तुम बोल रहे हो कि हमारे यहाँ पेटियाँ आती हैं लोग आके देते हैं, तो अगर यही चीज़ यार हम अपने आप को इतना गरीब नहीं कहते, ऑब्वियसली अल्लाह का शुक्र हमारे पास हर चीज़ है, तो अल्लाह का शुक्र हमारे पास हर एक चीज़ अवेलेबल है। सो अगर जिनके पास नहीं है हम उनको देना, सो वो भी इस चीज़ का फायदा उठा सकते हैं। Exactly. हम अपने वालों को दे रहे होते सिर्फ अपना नाम करने के लिए, तो ऐसा यार बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, तो सीन है देने का, तो तुम भी अगर फ्री हो जाओ तो अपन दोनों साथ में जाके डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और अच्छा तुम एक बात ये बताओ कि तुम्हारी कजन्स आई थी 6 दिन से, तुम उनके साथ क्या करी थी यार 6 दिन पूरा कोई कजन्स के साथ? एक मिनट पहले तो तुम ये बताओ, तुम्हारे माइंड में एक आइडिया था, वो कौन सा था? वो भूल गया मैं, देखा। असल में टेंशन्स बहुत टेंशन्स हैं, तो बता नहीं सकता। सारे आइडियाज ले लेता है और फिर बाद में सारे सबको जाके बताता है कि ना ऐसा हुआ था, लेकिन अपने तरीके से बताते हैं कि यार जैसे कि इसका ही कोई आइडिया। तुम्हारे घर पे कभी कोई आम लेकर गया? आम लेकर नहीं गए मेरे बाबा ही, लेकर नहीं देकर गया कोई, देकर दे, तुम दोगी तो किसी को भी नहीं यार, देकर तो कोई भी नहीं गया, देकर गया होगा ऐसी तो नहीं ऐसा, मैं देकर जाऊंगा भाई, मैं देकर जाऊंगा। हाँ, अब ये इसके बाद अपने अभी खाने के लिए नहीं थे आम, बहुत कुछ बहुत महंगे थे, अब ये अच्छा, हमें कहां से देगा? तुमने कभी ऐसा हुआ कि तुम पड़ोसियों के घर पे आम आए और तुम्हारी अम्मी ने कहा हो जाओ कश्यप इनसे 2-3 आम? नहीं यार, कभी कभी ऐसा होता था कि घर में से ना आम खत्म हो जाते थे, और ना फिर दूसरों के घर में, मतलब अगर आप जाओ तो वहाँ पर ना लोग खा रहे हो या फिर उनके फ्रिजेस में, मतलब जैसे ही वो फ्रिज ऑन करें और वहाँ आम रखे हो तो कैसी गंदी नीयत लग जाती है। और वो कहते भी हैं कि हमें दिल तो करता है मांगने का, पर बंदा मांग नहीं सकता क्योंकि यार पता है एक 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 लेवल रिस्पेक्ट भी होती है ना, फिर हम घर पे आके अपने बाबा से मतलब यार जिद करनी यार हमें भी आम लागे तो हमारे आम खत्म हो गए, आम खत्म और रख के देते हैं आम, सही है आम सही नहीं रख के नहीं देते। तुमने क्या समझा क्या है? कुछ भी नहीं समझा हुआ। और तुमने आज ये हमारे गांव में ना इस तरह की रिलियां होती है ना, वो बनाते हैं, तुमने इस पे लगा? नहीं होती, आम की बात हो रही थी तो मैंने सोचा आज तो आमों की भी इसी तरह की पेटियां होती कलरफुल, तो हम थोड़े रंगीन कपड़े पहन के जाएं ठीक है, होली में हमें रंगीन कपड़े पहन के होली खेले रघु। अच्छा ये बताओ तुम्हारे फेवरेट सॉन्ग्स
फेवरेट सॉन्ग्स, आम से फेवरेट सॉन्ग आम पे ही एक आजा चीज, मतलब आम पे कोई फेवरेट चीज नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। अब इतना भी मैं कोई आम को बिल्कुल प्यार समझ के थोड़ी खाती हूँ। कुछ लोग हैं तुम्हें पता है कि आम से इतना प्यार करते हैं कि वो 24 घंटे सुबह भी आम, शाम भी आम, रात को भी आम। नहीं इतना भी, इतना भी प्यार नहीं, नहीं है, लेकिन जो, लोगों को होता होगा, लेकिन मुझे यार, इतना अभी नहीं। मेरी जो अम्मी है ना, सुनो ना, मेरी जो अम्मी है ना वो इसी तरह करती है कि मतलब उनको आम से इतना प्यार है, इतना प्यार है कि वो कहती है कि मैं आम ही खाता हूँ। और पता है मैंने 3-4 से 5 पेटियां मुझे मिली आमों की। मतलब यार तुम वैसे आम खाते हो चावल के साथ, आम खाना पराठे के साथ, आम खाना नहीं, मतलब पराठे के साथ तो नहीं, मतलब लोग इस तरह खाते हैं, मुझे नहीं इतना पसंद। मैं एज अ फ्रूट खाती हूँ, मतलब एक टाइम बट ये नहीं कि लोग होते हैं। अच्छा तुमने गाँव में देखा है लोगों के घर पे जब आम आते हैं तो वो पता है कैसे खाते तो हैं, पर मतलब इस तरीके से खाते हैं कि समझ में नहीं आती कि वो किस तरह उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तुमने आम का सालन खाया है, केरियों का? नहीं नहीं, केरियों का सालन नहीं, केरी का जूस बहुत जरूर पिया मैंने। केरियों का सालन होता है, मैं जब गांव में जाता हूँ, मेरी पुप्पो या कुछ भी होते हैं तो वो केरियां होती है ना खट्टी सी, केरियों से तो अचार बनता है, अचार भी बनता है, सालन भी बनता है। सालन, सालन हाँ। तो जब मैं जाता हूँ वहाँ पे तो पता है क्या, मेरी पुप्पो केरियों का बिल्कुल पतले पतले से उनको काट के पहले ना उसको टमाटर का क्या कहते हैं तड़का लगा के उसमें मतलब लहसुन वसन डाल के साथ उसको अच्छी सी खुशबू दे के तो उसमें केरियां डाल देती है, 5 मिनट उसमें पानी डाल के और छोड़ देती है। तो वो गल जाती है उसमें? हाँ गल जाती है। ओह माय गॉड सीरियसली। और वो इतना टेस्टी बनता है कि मैं जब जाता हूँ ना तो पप्पा को बोलता हूँ कि मुझे यही बना के दो, मैं वही खाऊंगा, और बहुत अच्छी डिश बनती है। तो वो मतलब तुम्हारे पप्पा की फेवरेट डिश हो गई? मेरे पप्पा की। तुम्हारे पप्पा घर में किसी के हाथ की फेवरेट डिश है तुम्हारी? नहीं मेरी मम्मी तो सब कुछ ही बहुत अच्छा बनाती है। ना मम्मी ही बोलती हूँ, मम्मी ही अम्मी होती हैं इनकी। अच्छा मेरी जो अम्मी है वो अम्मी है, इनकी मम्मी है। मतलब यार मैं मम्मी ही बोलती हूँ। अच्छा तुम ये बताओ, मामा भी बोलती हूँ, सब बोलती हूँ। 6 दिन तुम्हारे घर पे कजन्स और तुमने उनको झेला है? 6 दिन नहीं थे यार, कजन्स तो एक ही टाइम आए थे, बट जिस दिन आना था ना उस दिन आए नहीं थे। क्यों नहीं आए? क्योंकि फिर दूसरे दिन तुम बोलती ना, डू यू नो आई एम वेरी बिजी, मैं टाइम नहीं दे सकती तुम लोगों को किसी और बना ले। कुछ नहीं यार, कजन्स इतनी दूर से आते हैं उनको टाइम देना पड़ता है। नहीं पीना ना मुझे, तो मैं पी लूंगी, मेरी मर्जी, मेरा जूस आज ओ, मेरी मेरी कॉफी मेरी मर्जी, तो पी लो ना, दिल नहीं। अच्छा तुम रोजाना जूस पिलाते हैं ना। अच्छा तुम्हें फेवरेट चीज क्या है तुम्हारी लाइफ में खाने पीने के अलावा जूस वूस में? मुझे मिल्क शेक्स बहुत पसंद है। मिल्क शेक्स मैंगो, मैंगो शेक पसंद है, शेक हम उसको। अच्छा हम लोग कभी दुकान पे जाते हैं ना, कहते हैं भाई 2 शेक देना, तो बोलते भाई शेक यहाँ पे नहीं है, दुबई में। अब हमने कहा कि फिर उसको बोलते नहीं सर वो वाली शेक नहीं, हमें 2 मिल्क शेक चाहिए। मतलब तो ऐसा बोल रहा, तो बोलो 2 शेक चाहिए। हाँ तो बोलो 2 शेक चाहिए, मतलब शेक काजल है तुम्हारे लिए, इतना वहाँ पर दुबई में मिलेगा। अच्छा अच्छा हमारी बात थी भाई आज आम पे, और बहुत ही अच्छा लगा। कशफ तुम आई? मेरे बगैर ये कर भी नहीं सकता, कर भी नहीं सकता। दिस यू नो दिस इज माय को होस्ट, के बिना तो कुछ होता भी नहीं है। एग्जैक्टली नहीं, यही बात है, यही बात। तो थैंक, क्या कहती हो? बस एंड करना चाहिए, थैंक यू करना चाहिए। क्यों तो फिर पूरी रात यहीं बैठना है? वैसे यार मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, नहीं हो रहा बार बार मौसम अच्छा नहीं होता यार कश्यप। अच्छा हो रहा है आज? अच्छा ये तुम्हारे सामने गमले में से क्या निकल रहा है? गमले में से कुछ नहीं निकल रहा है, एसी चल रहा है। हाँ एसी चल रहा है, आज मतलब रिटोरी गर्मी बहुत कम है। लेकिन मेरे सामने तो सीरियसली पिछली मर्तबा से आज गर्मी बहुत कम है, और डेली बेसिस पे शूट करते हैं उससे तो मतलब बेटर है आज। हाँ आज गर्मी मतलब इतनी नहीं है जितनी पहले, 45 मेरे गाँव में तो 55 पता है यार, बच गया। क्या हुआ तुम्हें? 55 सेंटीग्रेड गर्मी, और ये तुम मैंने जो कपड़े पहने हुए ना पता है इनमें से आग निकलती है, ऐसा महसूस होता है इतनी गर्मी यार। मैं तो ये देख, और पता है गांव में मतलब वो लोग ऐसे सर पे लेके ज्यादा मतलब पूरा खुला खुला होता है ना, तो उससे ज्यादा भी लगती है। और यहाँ पर यार मतलब, और वहाँ पे मतलब ये आम के बागात वगैरह बनी हुई है, तो फिर यहाँ से धूप। अच्छा तुम्हें पता है ये जो हैदराबाद हो गया या कराची हो गया या कुछ ऐसी सिटीज आ गई, वहाँ से उन प्लेसेस में आम जो जाता है ना वो बेसिकली जाता है मोरो, और मोरो से आगे 2-3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, क्योंकि वहाँ पर गर्मी बहुत होती है और जो आम होते हैं वो पकते ही गर्मी पे, तो वहाँ से वो लोग एक्सपोर्ट होके आम। यार मुझे नहीं लगता कि इस मतलब लॉकडाउन में फिर भी आम यहाँ पे रह गया, वरना यार हमारा ये सारा आम जो था ये सारा बाहर चला जाता। और कहते थे कि मतलब क्या हाथ को लगा नहीं मिलता, और पता है मैं ये भी सोचता था कि हाथ को लगा मुंह को नहीं आया।
आम देखिए तो सही पर खाए नहीं, तो आज मतलब इस टाइम हमने आम भी खाए, लोगों को भी खिलाए। नहीं बकवास नहीं, जो बात है तुमने आज बहुत बुरा बोला, ये बात तुम्हारी मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। ये बात अच्छी नहीं लगी? नहीं लगी तो नहीं लगी, तो नहीं तो लगी, तो लगेगी ना। मैंने तुम्हें कुछ भी, मैंने कभी तुम्हें कुछ ऐसा नेगेटिव वर्ड नहीं बोला ना, तो बोलना भी नहीं चाहता, पता नहीं क्यों इतना वो कहते हैं जलील करते हैं। Why are you zaliling me? Because it suits you. क्या समझ में नहीं आया? ये बात तो इनकी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, मैं नहीं बताऊंगा। अच्छा इन्होंने वॉइस नोट किया कि मैंने तो मेरा मैसेज मैंगो पे बात करेंगे। हाँ मैंगो पे बात करेंगे, और मैंने रात को तो पता है इतनी भाई मुझसे वो कर रही हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने सैलरी पे रखा हुआ है। मैंने बोला यार तुमने ये कंटेंट देखा? बोली मैंने इनको छोड़ तुमने इनका देखा? मैंने कहा मैंने इनका नहीं देखना, तुमने हमें जो चीज चाहिए हमें उसको देखना। बोला कि क्या देखना है? मैंने कहा इन चीजों को कंटेंट तुम क्यों दूसरों को देख देख के कर रहे हो यार, अपना करो। मैंने बोला तुम्हें ना मैं मन से सैलरी दूंगा और तुम इनका कंटेंट देखो। मैंने उसी रात देख लिया और अभी तक पूरा देख कर आई, पर वो मैंने उसी रात पूरे कंटेंट देखे, मतलब लोगों के जो ये चाह रहा था। और पता है मुझे बोली कि अच्छा ना डिस्टर्ब नहीं करो ना, मैं जो ना बिजी हूँ बहुत। मैंने कहा अच्छा ना मैम मेरी सैलरी नहीं काटेगा प्लीज, मैंने आपको डिस्टर्ब किया। मैंने कहा नहीं करो डिस्टर्ब, क्या बदतमीजी है, जब मैं बोल रही हूँ मैं बिजी हूँ तो तुम्हें क्या। और मैं इस तरह बिल्कुल भी बात नहीं करता। डीपी तो अच्छी लगाओ, पिछली बार भी मतलब मैंने तुम्हें बोला था, इस बार भी न्यू ऐसा डीपी ऐसी लगाई है। मैंने कहा इस तरह की डीपी कौन लगाता है? मेरा मुंह यार देखो डीपी के लिए ना। नहीं यार इस पे बहुत सारी बातें नहीं, इसका मुंह डीपी के जैसा बिल्कुल भी नहीं है, तो तुम हटा ही दो डीपी, लगाओ ही नहीं यार। मैं तो ये पता नहीं मैं डीपी लगाता हूँ इसके साथ या कुछ किसके मेरी साथ जो भी डीपी होती है ना, इसका फौरन ना मैसेज आ जाता है, एसटी डीपी लगा ली, वैसी डीपी लगा ली, अपने आप को नहीं देखा। यार डीपी अच्छी लगानी चाहिए, पता है सारी डीपी जो इसने मेरे लगाई हुई ना अपनी, वो बिल्कुल मेरे साथ है और मुझे बड़ा अच्छा लगता है, तो मुझे वो जरा चेक करना, अभी चेक कर लो, चेक कर लो। चलो डीपी बिल्कुल चेंज है, इनकी जैसी मैं लगाता भी नहीं हूं। आज मैंने डीपी लगाई है यूआई मेरे साथ। ओ माय गॉड रहमान तुमने डीपी भी चेंज कर ली, पता ना इनको शिकायत का मौका ना मिले। वो डीपी ज्यादा अच्छी लग रही थी। हाँ तो कश्यप आज की मतलब मेरे ख्याल में हमने बहुत सी आपस में टाइम स्पेंड कर लिया। इंशाल्लाह अपकमिंग नेक्स्ट पॉडकास्ट में हमारे साथ बहुत ही अच्छी गेस्ट होंगे। वाकई? या नहीं बोला था, नहीं बोला था वो, नहीं जरा समझ गई ना, वो अपलोड ही नहीं करना। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट पॉडकास्ट में बहुत ही अच्छे को होस्ट भी आ जाएंगे। बुला के दिखाओ। नहीं नहीं तो तुम क्या, तुमने मुझे बुला के दिखाओ, मैं बुलाऊंगी नया को होस्ट। अच्छा तो अभी तुम गुस्सा कर रही हो? हाँ। गुस्सा कर रही हो? हाँ। दिख ही नहीं रहा यार इस तरह का गुस्सा मैं करूँ, मैं तो यहाँ बैठू ही नहीं, मुझे ऐसे बोले मैं। अच्छा ना बैठू रखा जा रही, बैठो बैठो मजाक करूँ यार, तुम थोड़ी थोड़ी सी बात को ना सर पे चढ़ा। इसके पास तो तुम अच्छा ना, मैं को होस्ट नया लेकर आऊंगी, तुम देखते हैं चैलेंज। वैसे रहना, वैसे चेंज हम दोनों ने। अच्छा जी ओके, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, आई होप यू लाइक द पॉडकास्ट। डू यू लाइक दिस? यस और नॉट? नो, अपने कमेंट्स में हमें जरूर बताएगा, जरूर बताएगा। दोबारा से बोलते हैं थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड कमेंट शेयर लाइक एंड मेरा एक ही डायलॉग। तुमने एक भी नहीं बोलो ना, बोलो तुम बोल मत बोलिए ना। पिछले इसका डायलॉग ये है कि बेल आइकन पे क्लिक, मैं चाहती हूं कि आप लोग सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पे क्लिक ना करें, तो फायदा नहीं है ना, फिर आप लोगों को नोटिफिकेशंस नहीं मिलेंगी। प्लीज प्लीज कीप द सपोर्ट, मैं बोलती हूं कि आप लोग बेल आइकन पे क्लिक सपोर्ट, और आप लोगों की सपोर्ट इन मी, मी नॉट हिम, मी नॉट हिम, हर सॉरी सर, गलत है नॉट हर, मतलब हम दोनों का एक ही कंटेंट है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अब फाइनली वाइंड अप कर रहे हैं। ओके अल्लाह।